थे। अगर चुनावी पारा दिल्ली में चढ़ा हुआ है तो वहीं तपिश गुजरात तक नजर आ रही है। आज चूंकि गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह हैं, दो दिन तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 रैलियों को संबोधित किया है। गृहमंत्री अमित शाह चूंकि गुजरात में हैं और रात 8 बजे गृहमंत्री अमित शाह एक बहुत बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे और इसके अलावा दिन भर 3 अलग अलग जनसभाएं और रैलियां हैं। लेकिन उससे पहले गुजरात का मूड कहता क्या है? गुजरात में कदवा पटेल, लेउआ पटेल, मुस्लिम वोट बैंक, फर्स्ट टाइम वोटर्स क्या कहते हैं? आदिवासी समाज के लोग क्या कहते हैं? बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई में क्या लड़ाई ट्राईपोलर है या बाईपोलर, ये बता रहे हैं विद्याशंकर तिवारी। गुजरात में विधानसभा चुनाव है और हम लोग पूरे गुजरात का भ्रमण करने के बाद पहुंच चुके हैं सूरत के डुमस बीच पे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बीच का नजारा भी देख सकते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पे। लोग यहाँ पे सुहाने मौसम का लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन इस सुहाने मौसम के बीच राजनीतिक गर्माहट जारी है क्योंकि गुजरात में विधानसभा चुनाव है। तो सर, आपने पूरे गुजरात का भ्रमण किया, क्या लगता है चुनावी माहौल कैसा है? देखिए, जो गुजरात में देखने को मिल रहा है अब की बात कि वैसे तो राजनीतिक तापमान काफी बढ़ा हुआ है, लेकिन सबसे अच्छी बात ये नजर आई चुनाव प्रचार के दौरान कि चुनाव प्रचार का बहुत ज्यादा शोरगुल नहीं है। बैनर, पोस्टर, वो जो पहले चिखम चिल होती थी वो सब गायब है और सभी पक्ष अपने अपने हिसाब से चुनाव प्रचार कर रहे हैं। जहां तक बात है कि कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो इस चुनाव में जो है मुकाबले को कड़ा बना रही है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो कांग्रेस है और जो आपकी एंट्री है उसने मुकाबले को कांग्रेस के साथ बीजेपी का जो है त्रिकोणीय मुकाबला बन रहा है। यदि बात करें पर्टिकुलरली उस सूरत की, जहाँ पे 16 सीटें हैं, बीजेपी ने पिछले चुनाव में 15 सीटें हासिल की थी, उस सूरत में 3 से लेकर 4 सीटें ऐसी हैं जहाँ की आपने मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। तो मतलब केजरीवाल ये दावा कर रहे हैं कि गुजरात में जो है झाड़ू चलने वाला है, क्या लगता है केजरीवाल कहीं दिख रहे हैं, यानी कि आम आदमी पार्टी गुजरात में कहीं दिख रही है? इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी पार्टी ने सूरत में जो नगर निगम के चुनाव में 27 सीटें हासिल की, उन 27 सीटों के हासिल करने के बाद उसका मोराल मनोबल काफी बढ़ा हुआ है और बहुत ही एग्रेसिव होकर के वो चुनाव लड़ रही है। यदि बात करें दक्षिण गुजरात की, जिसमें सूरत आता है, तो दक्षिण गुजरात में उसका प्रभाव बढ़ा है और जो मध्य गुजरात है उसमें भी वो एंट्री लेने की कोशिश की है। आपको लेकर के चलते हैं गुजरात की 84 विधानसभा। इंडिया न्यूज संवाददाता राघवेंद्र मिश्र की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। भैया, गुजरात में विधानसभा चुनाव है और अभी हम खड़े हैं 84 विधानसभा क्षेत्र पे, जहां से भाजपा के तरफ से प्रत्याशी हैं संदीप देसाई जी। तो क्या माहौल है आज यहां का? बहुत बढ़िया माहौल है आज। अब देख रहे हो कि पूरा उत्साह है सब में और बीजेपी जीतने वाली पक्का। यहां की कुछ जनता ये भी कह रही है कि आप जो है गुजरात में सेंध लगाने वाली है, आप यानी कि आम आदमी पार्टी जो है सेंध लगाने वाली है। आम आदमी पार्टी पिक्चर में है ही नहीं यहाँ पे, कोई कांग्रेस भी नहीं है, ओनली बीजेपी है, सिर्फ बीजेपी है। तो यहाँ लोग जो है किस मुद्दे पे वोट दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पे, विकास, विकास के मुद्दे पे। तो क्या मोदी मैजिक और जो कहते हैं मोदी जी का चमत्कार, वो गुजरात में अभी भी है कि नहीं है? है, पक्का है, है पक्का। तो आप लोग किससे मानते हैं कि आप लोगों की लड़ाई किससे है, कौन है जो टक्कर में है, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। और यहाँ इस विधानसभा क्षेत्र की क्या हाल है? बहुत बढ़िया। देखो आप ये सड़कें देखो, लाइट देखो, पूरा सिटी नंबर 1 है, स्मार्ट सिटी है, देखो कैसा है। आपने अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए क्या क्या किया है? अभी चुनाव जीत के करूंगा ना, पैसे करूंगा, अभी चुनाव होने वाला है, जीत के करूंगा। तो अभी तक जैसे बीजेपी यहाँ से रही है, दबदबा रहा है, बीजेपी जो है 27 सालों से सत्ता में रही है, तो आप किस रूप में देखते हैं इस चुनाव को? ये चुनाव में बीजेपी का बुलडोजर घूमेगा पूरे गुजरात के अंदर। अभी भी है और आगे भी बीजेपी रहेगी। अभी भी बीजेपी मतलब है और आगे भी रहेगी। उनका काम जो पड़े हो चक्कर में नहीं है, कोई टक्कर में
टक्कर है ही नहीं, टक्कर नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विकास है, विश्वास है, और मोदी जी ने जो गुजरात के लिए किया है वो संपूर्ण लघु भारत है, वो आनंद में है। हर इंसान, हर जाति, हर वर्ग उनके साथ है। आप तो एक तरफा नजर आता है, तब तक के लिए।